हाय, दिस इज सप्तऋषि हियर। बहुत दिनों के बाद मैं अपना यूट्यूब चैनल पे वापस से एक व्लॉग बना रहा हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम आउट ट्रैवलर। मेरा जो मन था ना कि मैं डेली व्लॉगिंग करूंगा या मतलब कुछ ना कुछ व्लॉग देते रहूंगा, अगर डेली भी नहीं हुआ दो तीन दिन में एक दिन, हफ्ते में एक दिन, तो वो एक्चुअली हो नहीं पाया क्योंकि ऑरोविल एक ऐसा जगह मेरे को लगा कि जाके वहाँ पे पूरा मैं स्लो डाउन हो गया और वहाँ का जो फील ले रहा था मैं लिटरली उधर रह के ले रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि वहाँ पे मैं व्लॉगिंग पे अपना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है शूटिंग तो कर ले रहे हैं लेकिन एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है फिर उसको अपलोड करना और फिर उसी चक्कर पे पूरा टाइम मेरा मतलब दिमाग वही चक्कर पे जाएगा। मतलब YouTube वीडियो क्रिएटिंग इज लाइक नॉट ए इजी टास्क। आपको दिन का लगभग डेडिकेटेडली 10-12 घंटा उस पे देना पड़ेगा। देना पड़ेगा का मतलब है कि आपको शूटिंग पे टाइम जाएगा, एडिटिंग पे जाएगा, फिर उसके बाद फाइनलाइज करने में टाइम जाएगा, फिर आप उसको YouTube के अंदर SEO करेगा, तो ऐसे बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो मेरे को उस टाइम ऑरोविल पे समझ में आया कि नहीं भाई साहब, मैं थोड़ा YouTube वाला जो काम है इसको थोड़ा पॉज रखते हैं, ऐसे भी मेरे को YouTube पे ज्यादा व्यूअरशिप तो मिल नहीं रहा, इसको बाद पे भी अपलोड कर देंगे फिर भी चलेगा। क्योंकि उस जगह पे जो चीजें मेरे साथ हो रहा था या फिर मेरे इनर जर्नी पे, मतलब मेरे खुद के अंदर जो मैं महसूस कर रहा था उस जगह पे, वहां पे रहना जरूरी था। और वहां पे ऐसा नहीं था कि लाइक मैं वहां पे एडिटिंग शूटिंग फिर अपलोडिंग इस चक्कर पे मैं अपना पूरा मतलब साइकिल बना दूं और बस आसपास जो चीज हो रहा है उसको वैल्यू ही ना करूं। और ओरोविल एक ऐसा सच में स्पेस है जहां पे आप स्पिरिचुअली खुद के साथ कनेक्ट कर सकते हो, खुद के इनर ह्यूमन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मतलब लिटरली आप खुद के अंदर जाके कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके सवाल आप जब ढूंढते हो, मतलब आप जब ट्रैवल करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन शुरू होगा और फिर उसके जवाब भी ऑटोमेटिकली आना शुरू होगा। जैसे वो क्वेश्चंस आएंगे आपको आंसर भी आते जाएंगे। ये जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, दैट इज कम्प्लीटली मेरा जो देखने का तरीका है या फिर मैं जिस तरीके से सोचता हूँ या फिर मैं जिस तरीके से मतलब माय पर्सपेक्टिव, ये ऐसा मैं कॉन्क्रीटली बोल नहीं सकते कि ऑरोविल ऐसा एक जगह है, ठीक है। मैंने अपना जो ये वाला वीडियो है इस पे जो थंबनेल बना के डाला हुआ है, इज ऑरोविल इज रियली फॉर यू और नॉट, ये जो सवाल है ये सवाल मेरे अंदर भी आया था जब मैं ऑरोविल विजिट करने जा रहा था। उससे पहले मैंने काफी सारे लोगों को अपने ट्रैवल जर्नी के थ्रू मिला था जब मैं इंडिया के अलग अलग जगह पे ट्रैवल कर रहा था, जो ऑरोविल फिजिकली विजिट कर चुके हैं और जो ऑरोविल में एक्चुअली रहते हैं। और ऑरोविल के बारे में फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे जो यूट्यूब पे डाला हुआ है, जो इंस्टाग्राम के ऊपर है, जो फेसबुक के ऊपर है, एंड इवन कुछ ब्लॉग पोस्ट भी है। सो ऑरोविल के बारे में जो कुछ भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है, जब आप ट्रैवल करोगे रियली, जब उस जगह पे आप फिजिकली प्रेजेंट होगे तो वो जगह आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है वो उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने दिया है। और वहाँ का जो प्रिंसिपल्स है, जैसे वहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे नो मनी नो पॉलिटिक्स, लाइक एवरीवन इज इक्वल, सारा ऐसा सिस्टम वहाँ पे चलता है। सो काइंड ऑफ यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब इन द सेंस नियर अबाउट ए परफेक्ट कम्युनिटी जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। इतना ज़्यादा ऑरोविल के बारे में क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर आजकल इसलिए भी हो गया है क्योंकि आज से 15-20 साल पहले मतलब लोग नहीं आते थे उतना और वो अपने अंदर रहने में मतलब अच्छा लगता था उनको। और अभी 15-20 सालों के बाद जब लोगों के पास इंटरनेट गया और इंफॉर्मेशन सबके हाथों में पहुंचने लगा और फिर यूट्यूब आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया और जो कुछ भी हुआ जहाँ पे एक्चुअली इंफॉर्मेशन शेयर होने लगा, तो फिर ऑरोविल के बारे में लोगों को एक्चुअली पता चलने लगा। नहीं तो इससे पहले ऑरोविल के बारे में किसी को पता भी नहीं होता था। अभी हम लोग जिंदगी में एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, चाहे आपका एज कितना भी हो, शायद आप यंग हो, अभी कुछ एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे होंगे, आप मिड एज के हो, आप रिटायर कर गए हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके ज़िंदगी में एक ही चीज़ आप ढूंढते हो, दैट इज़ आप उसको खुशी मान सकते हो, हैप्पीनेस मान सकते हो, जॉय मान सकते हो, जो कुछ भी है, मतलब जहाँ पे आपको मतलब पूरा फिजिकली और मेंटली उस जगह पे प्रेजेंट रहे और उस जगह का मतलब आपको अंदर एक अलग से एनर्जी महसूस हो कि जहाँ पे आप फील करो कि लाइक हाँ मेरे को सच में मैं जैसा चाहता था वैसा मेरे को मिल गया। सो जिंदगी में सब यही खुशी, यही जॉय या फिर यही हैप्पीनेस के चक्कर में लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब ये लोग ढूंढ रहे कि मतलब खुशी मिलेगा कहाँ। तो खुशी का डेफिनेशन जिंदगी के हिसाब से, उनके जिंदगी के गोल के हिसाब से अलग हो सकता है। किसी को आईफोन 13 प्रो मैक्स लेके खुशी मिलती है, किसी को वही पैसे का अपना जमीन थोड़ा सा लेके खेती बाड़ी करने में खुशी मिलती है, या फिर अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स 1.5 लाख पे आता है तो उस 1.5 लाख पे ट्रैवल करने में खुशी मिलती है, या फिर किसी को गाड़ी खरीदने में खुशी मिलती है, किसी को गाड़ी के पैसे से खुद के जंगल बनाने में खुशी मिलती है। हमारे सोसाइटी में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम है, लोगों के अंदर पैसे हैं लेकिन खुशी नहीं है, खुशी नहीं है इन द सेंस कि यहाँ पे खुश नहीं है लोग, एक्चुअली मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फिर जब भी आप इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हो, फिर कहीं ना कहीं आपको ऑरोविल का वीडियो दिखता है और फिर आप ऑरोविल आते हो। इफ यू आर कमिंग टू ऑरोविल, मैं अपना व्लॉग पे भी उसको अपलोड करूंगा, मैंने जो कुछ भी वहाँ पे किया है, एक एक डे 1, डे 2, डे 3 करके जितना सारा व्लॉग्स मेरे पास होगा, आई विल जस्ट अपलोड दैट ऑन माय चैनल। बट द थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो मैं आपको पकड़ लेता हूँ कि आप 3 तरीके के लोग हो,
पहली लोग जो आप हो कि एज ए टूरिस्ट आप वहाँ पे आ रहे हो, दूसरी लोग है कि एज ए ट्रैवलर आ रहे हो, और तीसरी है कि एज ए सीकर आ रहे हो। सो व्हाट इज़ टूरिस्ट एक्चुअली? टूरिस्ट जो होते हैं वो मोस्टली सैटरडे एंड संडे को आते हैं ऑरोविल पे, एंड उसके बाद मातृ मंदिर पैदल पैदल जाते हैं विजिटर सेंटर से, फिर मातृ मंदिर देख के वापस चले जाते हैं। और उनके लिए समझ यही होता है कि ऑरोविल इज़ लाइक जहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, वहाँ पे आप पिज़्ज़ा इंजॉय कर सकते हो, कुछ कम्युनिटीज़ है वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, बस इतना ही समझ में आता है। मतलब काफ़ी लोग पौंडीचेरी घूमने के लिए आते हैं तो उनको जो टूर गाइड वाला होता है वो लोग बता देता है कि पौंडीचेरी के साथ एक ऐसी जगह है मातृ मंदिर, तो उधर आप जा सकते हो। ये तो हो गया चलो टूरिस्ट वाला काम जो सैटरडे और संडे को आते हैं, लेकिन जो दूसरी बात आते हैं ट्रैवलर्स, तो ट्रैवलर्स लाइक वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और उनको कंटिन्यूअसली मूव होना पड़ता है। मतलब मेरे को इस जगह पे अच्छा लगा तो मैं एक महीना रुक गया, दो महीने रुक गया, और इस जगह का जो वाइब्स है उसको महसूस किया। मतलब उनके लिए ऐसा नहीं होता है, उनके लिए डेस्टिनेशन फिक्स होते हैं, रूट्स फिक्स होते हैं, टाइम फिक्स होते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया और फिर चले गए। और तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग तो ट्रैवलर्स होते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के साथ साथ उनके कुछ इनर क्वेश्चंस भी चलते रहते हैं, जैसे हु आई एम, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, और व्हाट्स माय रोल एक्चुअली। जब भगवान ने हम सभी को बनाया तो हर एक इंसान का कुछ ना कुछ रोल होता है, और खुद के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मतलब एरेजेस होता ही है कि मेरा स्पिरिचुअल सेल्फ के बारे में, मेरा इमोशनल सेल्फ के बारे में, या फिर मेंटल सेल्फ के बारे में, सब कुछ के बारे में। सो माई एक्सपीरियंस वॉज लाइक आई वॉज कम्प्लीटली इन टू मतलब मैं अपना सीकिंग जोन पे था, मैं खुद के काफ़ी इनर जर्नी इसके साथ कनेक्ट कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाते हो ऑरोविल पे तो वहाँ पे आपके जैसे लाइक माइंडेड बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बातें चलेगी, उनका लाइफ एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा, उनका जो स्ट्रगल रहा वो सुनने को मिलेगा, मैं जो अपना स्ट्रगल कर रहा हूँ वो सुनने को मेरे को मिलेगा, तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होता रहेगा। और पहले दो तीन दिन तो मतलब मेरे लिए पूरा बोरिंग ही था, फिर जैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा शुरू हुआ, बातें हुआ, फिर हम लोग एक दूसरे को समझ पाए, फिर थोड़ा करीब आ पाए, फिर थोड़ा सा ऑरोविल का फील जो था वो थोड़ा अच्छा लगा, एंड लाइक फिर थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं जोन पे आ रहा हूँ, नहीं तो आई वॉज जस्ट लाइक ए फ्लोटिंग बबल इन द ऑरोविल इकोसिस्टम। फिर मैंने एक दो जगह पे गया, जैसे वहाँ पे दो दोस्त भी बने ऑरोविल फिल्म इंस्टीट्यूट के साथ, फिर आई वेंट टू स्वरम जो साउंड हीलिंग के लिए एक बहुत अच्छा स्पेस है, देन आई वेंट टू सम ऑर्गेनिक फार्म्स, वहाँ पे भी थोड़ा दिन के लिए गया। तो इधर जो जाने के बाद जो ज़िंदगी समझ में आई कि लाइक इट्स वेरी ईजी, मतलब ज़िंदगी में तीन चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, तो हम लोग उस तीन चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं अपने ज़िंदगी में कि हम लोग को लगता है कि ज़िंदगी इज़ वेरी हार्ड। लेकिन अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे ज़िंदगी इज़ लाइक वेरी ईजी, मतलब आपको खाना ही तो उगाना है, कपड़े ही तो मतलब जुगाड़ करना है, और घर ही तो बनाना है, बस इट्स वेरी इजी, मतलब मेरे को समझ में आया। हालांकि मैं अभी तक उसके साथ फाइट कर रहा हूँ कि मैं कैसे अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाऊँ, लेकिन लाइफ इज़ वेरी इजी, मतलब ऑरोविल पे जाके कम्युनिकेट करने में यही लगा। और काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि वहाँ पे लोग विदाउट इंटरनेट, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट मॉडर्न कल्चर कैसे रहते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से है कि भाई साहब वो सब मतलब ऐसे लोग हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के ही उधर गए हैं कि मेरे को इस ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे लोग हैं, सोसाइटी है, कल्चर्स है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन है कि ये तुम हो, ये हम है, ईगो है, ये है, वो है, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना मस्त मौला ज़िंदगी बिताने के लिए गए, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लाइक आई वॉन्ट टू जस्ट बी देयर। सो दैट्स द एक्सपीरियंस व्हाट आई गॉट। मतलब इस खुशी के चक्कर पे ना ऑरोविल का जितना सारा मतलब मॉडल है अभी टूरिज्म बेस्ड हो गया है, इतने ज़्यादा लोग आते हैं मतलब ट्रैवल करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, एज ए सीकर, एज ए टूरिस्ट, एज ए ट्रैवलर, मतलब जो भी तरीके से हो काफ़ी सारे लोग आते हैं, और फिर वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइक वहाँ पे नॉर्मली ऐसा हो गया है कि आप ऑरोविल के आसपास के जो गाँव है वहाँ पे आपको रहना और खाना बहुत सस्ता मिलेगा, लेकिन ऑरोविल के अंदर ही जैसे आओगे, क्योंकि वो एक टूरिस्टिक प्लेस हो गया है, वही खुशी के चक्कर में, वही इंडिया का जो सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब स्पिरिचुअलिटी जो कुछ भी मान लो आप, तो उसके चक्कर पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर आप सस्ते में भी रुकना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं एक अलग सा व्लॉग बना दूंगा, व्लॉग नहीं रहेगा, मैं ऐसे वन टू वन बात करूंगा कैमरे पे आके, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा कि आप सस्ते में कैसे मैनेज कर सकते हो, और एक महीने पे मिनिमम बजट आपका कितना होना चाहिए वो एक अलग वीडियो पे बता दूंगा, बिकॉज इट इज़ माई एक्सपीरियंस व्हाट आई गैदर्ड लाइक इन वन मंथ। अभी वाला जो टूरिज्म वाला सिस्टम था उसी के हिसाब से मैंने लोग देखे हैं, काफ़ी लोग एज ए क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर उनको धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ ऑरोविल वाला सिस्टम जो है ये ऐसे चलता है एक्चुअली। उसके साथ साथ मैं और दो तीन चीज़ें भी कहना चाहूँगा, दैट इज़ मेरा जो एक्सपीरियंस था अच्छा था, बट लाइक सबके लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है, मेरे लिए ठीक ठाक था, लोग मिल गए, बातें हुआ, दोस्ती हुई। कुछ ऐसे भी है कि ऑरोविल के साथ मतलब आपको ये कुकून जैसा मिलेगा, लाइक सेफ स्पेस फॉर यू, और मतलब आपको और कुछ
चीज के बारे में सोचना नहीं है, बट इफ यू वांट टू रियली कुछ चेंज लाना चाहते हो, चाहे इन द सोसाइटी, चाहे इन द प्लेनेट, कहीं पे भी, फॉर दैट यू नीड टू कम इन द सिटीज, इन योर विलेज, इन योर सोसाइटी, और वहां पे जाकर अपना स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा, मतलब रेवोल्यूशन तो लाना पड़ेगा. सो दैट द फील आई हैड. एंड आई वॉज स्टेइंग इन टाइम ट्रेवलर हॉस्टल, और खाना कभी कभी कुक कर लेता था, कभी कभी आसपास के गांव से मैनेज करता था, और कभी कभी कैफेज पे भी खा लेता था. और मेरा जो आगे आने वाला व्लॉग होगा उस पर मैं थोड़ा सा लाइफ एक्सपीरियंस और जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया, जो कुछ भी देखा, अगर कहीं से कुछ शूट करके लेके आया हूँ, मैं उसको एडिट करके मेरा जितना सारा व्लॉग होगा ऑरोविल के बारे में सारा मैं अपलोड कर दूंगा. या दैट्स ऑल अबाउट ऑरोविल. थैंक यू.